आनंदी के पास हर इलाज। एक बार एक व्यक्ति देर रात बड़ी ही व्यथित अवस्था में अपने बेडरूम में चक्कर लगा रहा था। पत्नी भी हैरान थी कि इनको ये क्या हो गया है। वे गहरे टेंशन में हैं। ये तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही साफ झलक रहा था। निश्चित ही अपने पति का ये हाल देख पत्नी भी परेशान हो उठी थी। आखिर उसे नहीं रहा गया और उसने पति से इस बेचैनी का कारण जानना चाहा। पति ने बड़ा दुखी होते हुए कहा, दरअसल अपने पड़ोसी मिस्टर बैनर्जी से मैंने 2 महीने के लिए 2 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। कल सुबह रुपए वापस लौटाने की तारीख है, लेकिन मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया हूं। बैनर्जी का स्वभाव मैं जानता हूं, वो तकाजे का बड़ा पक्का है, कल सुबह ही मांगने आ खड़ा होगा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये सुन एक क्षण को तो पत्नी भी चिंतित हो उठी, परंतु वो आनंदी स्वभाव की थी, चिंता उसे लंबे समय तक पकड़ नहीं सकती थी। सो उसने पूरी गंभीरता पूर्वक पति से पूछा, हो तो ये गलत ही गया, परंतु क्या वाकई तुम पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते? पति बोला, नहीं कर सकता, तभी तो, वरना तुम जानती हो कि मुझे खुद ये सब नापसंद है। पत्नी बोली, वो तो मैं जानती हूँ, पर थोड़ा और सोच लो, शायद कोई उपाय निकल आए। पति बोला, मैंने पूरी कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही पत्नी तुरंत बोली, जब नहीं कर सकते तो नहीं ही कर सकते, रुको मैं आती हूँ। इतना कहते कहते वो तो घर से बाहर चली गई और सीधा जा पहुंची बैनर्जी के द्वार पर। यूं तो रात काफी हो चुकी थी, परंतु उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तो समय का इंतजार किए बगैर बैनर्जी के घर की घंटी बजा दी। दरवाजा बैनर्जी ने ही खोला। उसने सीधा उन्हें नमस्कार करते हुए पूछा, क्या मेरे पति ने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे? बैनर्जी ने कहा, हाँ। पत्नी ने बड़ी गंभीरता पूर्वक पूछा, कल उसके वापस लौटाने की तारीख है? बैनर्जी ने कहा, हाँ। पत्नी ने कहा, लेकिन मेरे पति पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, सो आपको पैसों हेतु 2-1 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। बस इतना कहकर वो घर लौट आई। वहाँ परेशान पति पत्नी के अचानक इतनी रात को बाहर चले जाने से और बेचैन हो उठा था। इतनी रात ये कहाँ गई? कहीं पैसों का इंतजाम करने तो नहीं चली गई? पत्नी जल्द ही लौट आई थी, सो उसे ज्यादा ख्याली घोड़े नहीं दौड़ाने पड़े थे। सबसे बड़ी बात ये कि पत्नी के आश्वस्तता ने उसे हैरानी में डाल दिया था। और इससे पहले कि वो कुछ पूछे या समझे, पत्नी ने कहा, मैं जाकर मिस्टर बैनर्जी से कह आई हूँ कि मेरे पति पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए, सो आपको पैसों हेतु 1-2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। सो आप सो जाइए, अब मिस्टर बैनर्जी जागेंगे। अब सुनिए इस अद्भुत कहानी का फिलोसॉफिकल सार। वैसे तो मनुष्य को चिंताएं पालनी ही नहीं चाहिए, परंतु कम से कम इतना तो उसे समझ ही लेना चाहिए कि जिस चीज का कोई उपाय ही न बचा हो, उसकी चिंता तो कतई नहीं पालनी चाहिए। चिंता अपने को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने हेतु पालने तक ही ठीक होती है। ऐसी ही जीवन परिवर्तित कर देने वाली अनमोल फिलोसॉफिकल कहानियाँ व दीप त्रिवेदी द्वारा दिए गए उनके सटीक सार के लिए पढ़िए सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ 101 सदाबहार कहानियाँ। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।